I am back on my channel. This video is all about Kashmir travel, and as you must have seen the title, it is about day one where we went to Sonmarg, and I'm going to brief you everything in detail in my further video. So let's not waste any time because the video is going to be amazing and full of snow. So let's get started. सो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया आइटिनररी लेकर आई हूँ जहाँ पर आप 6 नाइट एंड 7 डेज का प्लान इस तरह कर सकते हैं. फॉर द स्टार्टिंग 3 to 4 डेज यू कैन स्टे एट श्रीनगर एंड बुक योर होटल एट श्रीनगर. ये हमारा होटल रूम था एंड होटल रूम से कुछ इस तरह का व्यू हमें दिख रहा था. इट वॉज रेनिंग कॉन्स्टेंटली. इट वॉज सो सीरीन एंड सो सूदिंग टू द आईज. श्रीनगर में स्नोफॉल उतना नहीं होता है, बट येस इट इज़ फॉगी एट टाइम्स. And the first day we started our journey from Srinagar to Sonmarg, and this is how it went from normal to snowfall. जैसे जैसे हम सोनमार्ग के पास आते जा रहे थे वैसे वैसे स्नो बढ़ता जा रहा था, एंड द व्यूज़ वर टोटली mesmerizing. जन्नत है, सच में कश्मीर जन्नत है. तो हमने सोचा कि बीच में क्यों ना एक स्टैंड लिया जाए, तो हम चाय पीने के लिए थोड़ी सी देर के लिए रुक गए. हमने यहाँ पर किसी लोकल के थ्रू एक पैकेज बुक किया था बिफोर वी वेंट देयर. सो अगर आप पैकेज बुक नहीं भी करते हो तो आई कैन गिव यू द नंबर्स ऑफ कैब ड्राइवर एंड जो भी कम्यूट या जिस भी चीज़ के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स चाहिए, यू कैन इन कॉमेंट, आई गिव यू दैट. सो दिस वॉज आवर फर्स्ट स्नो एंड स्नोफॉल एक्सपीरियंस, एंड या इट वॉज ब्रेथ टेकिंग. इट वॉज एक्चुअली हमने विजिट किया है इन द मंथ ऑफ मार्च, लाइक द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, बिकॉज इस बार स्नोफॉल बहुत लेट हुआ, एंड या वी गॉट सो लकी टू विटनेस द स्नो. सो इट इज़ अबाउट 2 आवर जर्नी फ्रॉम श्रीनगर टू सोनमार्ग. सो यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर आपका कैब ड्राइवर आपको छोड़ देगा, एंड उसके आगे का जो पूरा डिस्टेंस है वो आप हॉर्स के थ्रू कवर करते हैं. सो यहाँ पर बेसिकली दे विल चार्ज यू 2100 पर पर्सन, एंड एक हॉर्स पे एक ही पर्सन को बिठाया जाता है. सो यू विल हैव टू नेगोशिएट. हमने नेगोशिएट करके कुछ 1500 पर पर्सन करा था. सो इट वॉज 3000 प्लस 300 समथिंग फॉर द बूट्स, लाइक द लॉन्ग बूट्स. सो बूट्स अभी नहीं पहने हैं, लेकिन एक एंड में लोकेशन आएगा जहाँ पर वो आपके बूट्स एक्सचेंज करा देते हैं. सो या अगर आप जा रहे हैं कश्मीर तो बार्गेन करना सीख लीजिए. सो जो हमारे हॉर्स राइडर थे उन्होंने हमारे फ़ोटोज़ थोड़े बहुत वीडियोज़ वगैरह भी स्पॉट पे ले लिए थे. एंड आपके पास में लोग आएंगे जब आप पहुंच रहे होंगे एग्जैक्टली सोनमार्ग के पॉइंट पर. सो वहां तक लोग आपके पास पास आएंगे और बोलेंगे कि आपको शूट कराना है, अगर आपको इंस्टाग्राम रील्स शूट करानी है तो हम इतना चार्ज लेंगे उतना चार्ज लेंगे. अगर वो आपके बजट में फॉल करता है यू कैन गो फॉर इट. नाउ दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर सारे हॉर्सेस को रखा जाता है, एंड यू विल बी कमिंग डाउन ऑफ द हॉर्स, एंड आगे का जो भी राइड है वो आप स्लेज के थ्रू कर सकते हैं, और एल्स यू कैन गो लाइक जस्ट वॉक एंड डू इट. हमारे टाइम पे लास्ट पॉइंट था ग्लेशियर, सो 3 पॉइंट्स हमने कवर किए थे वहाँ पर. और हियर यू कैन सी लाइक हमारा शूट कर रहे हैं वो कि आप ऐसे पोज दो वैसे पोज दो, आप ये करो वो करो. एंड देन लेटर ऑन वी थॉट ऑफ टेकिंग अ स्लेज बिकॉज वी वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस इट. सो एक स्लेज पे एक पर्सन को बिठाया जाता है, एंड स्लेज का जो कॉस्ट है उन्होंने हमसे 1000 रुपीज़ लिया है, 1000 रुपीज़ पर पर्सन, एंड विच वॉज लाइक दे वर सेइंग 1500 रुपीज़ पर पर्सन है. सो वहाँ भी हमने नेगोशिएट करके 1000 रुपीज़ किया. थोड़ा और भी कम हो सकता है अगर आप कर पाए तो. हर एक जगह का अपना अपना एक व्यू का अलग मज़ा है. जैसे आप सोनमार्ग में आए हो तो फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स लाइक यू आर सराउंडेड बाय स्नो, बाय पाइन्स, एंड अराउंड 1 to 2 feet का स्नो भी आप यहाँ पे एट द एंड पॉइंट पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं. सीन्स का मज़ा लेना प्लीज़ मत भूलना. जस्ट इन्जॉय द मोमेंट, बी इन द मोमेंट, हैव फन, क्लिक योर सेल्फ, मेक मेमरीज. दिस इज़ वॉट आई एम गोइंग टू से. ग्लव्स, कैप्स, नेक बैंड्स, लॉन्ग बूट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड प्लस अगर आप यहाँ पर स्नो पर वॉक कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके स्टेप्स बहुत फर्मली रख रहे हैं, बिकॉज कभी भी आप यहाँ पर गिर सकते हैं और आपको लग सकती है. सो या प्लीज़ मेक श्योर दैट आपके जो स्टेप्स हैं वो आप सही से रखें, एंड दौड़िएगा तो बिल्कुल मत.
सो हम कश्मीर गए थे हमारे हनीमून ट्रिप के लिए एंड इट वॉज टोटली अ मेमोरेबल ट्रिप एंड आई तो जस्ट कांट फॉरगेट द ट्रिप. वी प्लेड इन स्नो फॉर सो लॉन्ग एंड यहाँ पर जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पे 3 points कवर कराए जाते हैं. वन विल बी द ब्रिज, द अदर विल बी एट अ हाइट एंड द थर्ड वन इज गोइंग टू बी द ग्लेशियर. सो या एज आई सेड अर्लियर, डोंट फॉरगेट टू एंजॉय योर सेल्फ एंड क्लिक योर मेमोरीज. ऑल्सो स्लेज करने का एक फ़ायदा ये भी है कि जब आप वापस जा रहे होते हो तो एक स्टीप स्लोप जब आता है ना, सो दे लीव यू टोटली फ्री एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय इट. सो गुलमर्ग जाओ या सोनमर्ग जाओ, एक बार स्लेज का एक्सपीरियंस तो बनता है. कुछ और चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है कि आप सनग्लासेस पहने ऑल टाइम बिकॉज रिफ्लेक्शन आता है, सो बहुत ब्राइट हो जाता है सब कुछ. एंड जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा स्नो लगे कि आपके पैर बहुत ज़्यादा डीप जा रहे हैं, बिकॉज कुछ पार्ट्स है सोनमर्ग में जहाँ पे थाइस तक का स्नोफॉल है, सो मेक श्योर कि आप किसी को पूछें और उसके बाद ही वहाँ पे स्टेप इन करें, क्योंकि वहाँ पर कुछ वैलीज हैं या कहीं ना कहीं आप गलत स्टेप ना कर दें फॉर दैट मैटर. एंड व्यूज़ तो आप देख ही रहे हैं, दीज व्यूज़ आर लाइक सो ड्रीमी, सो गुड, टू गुड. आई लिटरली फेल्ट लाइक स्टेइंग इन कश्मीर. मुझे वापस आने का बिल्कुल मन नहीं था. 6 days, 9 and 7 days का पैकेज भी मुझे तो बहुत कम लगा, बट या इट वॉज ऑल वर्थ इट. अगर आप खुद से कैप्स ग्लव्स कैरी नहीं कर रहे हो तो भी आप वहाँ पर जाके परचेज कर सकते हैं, बट आपको बार्गेन करना रहेगा. लाइक कैप और नेक बैंड जो है वो हमने कुछ लिया है 300 to 400 रुपीज़ में, एंड उससे इतनी वार्मथ रही है. ट्रस्ट मी, अगर आप नेक बैंड पहन रहे हो तो उससे भी इतना फ़र्क पड़ रहा है ना ठंड में. सो मेक श्योर यू कैरी ऑल द एसेंशियल्स, इफ़ नॉट गो देयर एंड बाय. एंड दिस वॉज द टाइम व्हेन वी वर हेडिंग बैक टू आवर होटल. सो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी पोस्टिंग अबाउट गुलमर्ग. Hello, so I hope you all enjoyed watching the video. If yes, then do give it a like and don't forget to subscribe to my channel.